अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। हम फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा बस फाइलम सार्कोडिना मिस्टिगोफोरा सार्कोमिस्टिगोफोरा रह जाएगा। चलें लेट्स स्टार्ट फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा फाइलम के नीचे क्लास स्पोरोज़ोआ आती है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं एपिकॉम्प्लेक्सा के प्लाज्मोडियम कोक्सीडियम क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये चारों इसके एग्जांपल्स हैं। ये पैरासाइटिक क्लास है। ये तमाम पैरासाइट्स हैं। इसमें इंक्लूड प्लाज्मोडियम क्रिप्टोस्पोरिडियम और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये तीनों ह्यूमन पैरासाइट्स हैं। जबकि कोक्सीडियन जो है वो हमारा एनिमल्स पैरासाइट है विच इफेक्ट पोल्ट्री बर्ड्स वगैरह, शीप कैटल और रैबिट्स, इनमें डिजीज कॉज करता है ये पैरासाइट। इसके दो इम्पॉर्टेंट जेनरा हैं, पोल्ट्री पैरासाइट्स के दो इम्पॉर्टेंट जेनरा हैं आइमेरिया और आइसोस्पोरा। एक्चुअली दीज आर दी की पॉइंट्स फॉर मिलर हार्ले, ताकि जो बच्चे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं होता पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो लास्ट मंथ में तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए मैंने ये नोट्स रेडी किए हैं ताकि वो शॉर्ट टाइम में भी बहुत अच्छा तरीके से याद करके बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्रिप्टोस्पोरिडियम, इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन पैरासाइट डेट कॉज इलनेस इन रेस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डायरिया हो जाता है पेशेंट्स में। अगर एड की डायरिया तो होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन को एड्स वगैरह है तो यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशेंसी पेशेंट है पेशेंट है तो उसको क्रॉनिक डायरिया होगा। ये जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है पैरासाइट की क्रिप्टो भी है, इसको क्रिप्टो भी कहा जाता है, और ह्यूमन डेफिशिएंट पेशेंट हो सॉरी इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट हो या इम्यून सिस्टम से हेल्दी हो, तो दोनों को ही ये जो है ना पैरासाइट डिजीज़ कॉज कर देता है। नेक्स्ट हमारा है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो एक पैरासाइट है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वही मेंशन है तो मैंने कहा मैं आपसे आपको पिक्चर के थ्रू ही समझा देती हूँ। टॉक्सोप्लाज्मोसिस का ये ओसाइट देखें पड़ा हुआ, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो रैट है और फाइनल होस्ट इसका जो है वो कैट है। जब कैट रैट को खा लेती है तो वो सारे जो पैरासाइट्स रैट में होते हैं वो कैट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब कैट जो है वो फेसिस करती है तो वो फेसिस अगर किसी फील्ड वगैरह के पास करती है जो जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की गई हैं, तो उन क्रॉप्स को या उन ग्रास वगैरह को अगर हमारे वो एनिमल्स खा लेते हैं जो हमारे डाइट का हिस्सा है, हमारे फूड का हिस्सा है, जैसे काओ गोट शीप वगैरह, तो जैसे ही जैसे कैट के रैट को खाने से रैट के सारे पैरासाइट्स कैट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी तरह अगर वो पैरासाइट्स काओ शीप और गोट में मौजूद हैं, अगर हम इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं और ये अनकुक्ड रह जाते हैं तो वो पैरासाइट्स हम में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल पुअरली कुक्ड फूड खा लेती है तो उसके बेबी के लिए हार्म है, या तो उसका स्टिलबर्थ होगी या उसका एबॉर्शन हो जाएगा।
और अगर बेबी सरवाइव कर भी गया तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। स्टिलबर्थ कहते हैं कि बेबी जो है वो मरा हुआ पैदा होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लाज्मोडियम पिरोक्सिम्स। पिरोक्सिम्स बोलते हैं कि मलेरिया के सिम्टम्स पीरियडिकली एक सेम वक्त पर बार बार जब आते हैं, जिस तरह हर 4 घंटे बाद, हर 8 घंटे बाद, ये होता है पीरियडिकली। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया रीअकर पीरियडिकली, ठीक है। अब 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया स्पीशीज़ हैं और उनके कब जो है कितने ड्यूरेशन के बाद बार बार उनके प्रॉक्सिम्स आते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब कुछ इस टेबल में मौजूद है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है एवरी 48 आवर्स बाद उसका जो है प्रॉक्सिम्स होते हैं और ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। और मैंने टाइम वाइज इन्हें अरेंज किया है, अगर आपको किसी और तरीके से याद होते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने 48 आवर्स वाइवेक्स, 72 आवर्स आफ्टर जो है वो मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। इरेगुलर सिम्टम्स फैल्सीपैरम के हैं और रेयरेस्ट बहुत कम ज़्यादा बहुत कम जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम ओवेल के आते हैं, इसलिए मैंने इनको ऐसे तरतीब दी है। इसी तरह ही आप वाइवेक्स टेम्परेट रीजन, मलेरिया जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में है ये वाला प्लाज्मोडियम। उसके बाद जो प्लाज्मोडियम एक्चुअली ह्यूमन पैरासाइट है जो कि एक डिजीज़ कॉज करता है जिसका नाम मलेरिया है, ठीक है। तो ये उसकी फोर टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं। उसमें फैल्सीपैरम जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है और ओवेल जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एसेक्चुअल स्टेज देखें, शिज़ोगोनी। एसेक्चुअल स्टेज, यहाँ पर अभी वो डिवाइड होना नहीं शुरू हुआ, ठीक है। अगर उस वो होस्ट में एंटर कर जाता है, एसेक्चुअल स्टेज उसकी शिज़ोगोनी है, शिज़ोगोनी एंट्री इन अ होस्ट, वहाँ पर होती है मल्टीपल फिशन, ठीक है। वहाँ बनते हैं मीरोजॉइड्स मल्टीपल फिशन के बाद। मीरोजॉइड्स लीव द होस्ट तो वो गेमिटोगोनी बनते हैं, यहाँ पर उसकी सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। गेमिटोगोनी में जो है वो सेल डिवाइड्स होना शुरू हो जाएंगे। गेमिटोगोनी के नतीजे में यहाँ पर सेल डिवाइड होना शुरू होंगे, तो यहाँ पर मैक्रोगैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स बनेंगे। दो तरह के सेल बनेंगे गेमिटोगोनी के बाद, माइक्रो और मैक्रो। जो मैक्रो है वो हमारा एग सेल है, ठीक है, और जो माइक्रो है वो छोटा सेल है, उस पर होगी मल्टीपल फिशन और देन बायोफ्लैजेलेट्स माइक्रोगैमेट्स बनेंगे। जब ये बायोफ्लैजेलेट माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स मिलेंगे तो जायगोट बनेगा, जायगोट से स्पोरोजॉइड्स बनेंगे इन ओसाइट, यानी एग के अंदर स्पोरोजॉइड्स बनेंगे, स्पोरोजॉइड्स से दोबारा शिज़ोगोनी बनेगा और इस प्रोसीजर को बोलते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोजॉइड्स से शिज़ोगोनी बनेगा, इसको स्पोरोगोनी बनेंगे इस लेवल को, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। प्लाज्मोडियम के बारे में अगर प्लाज्मोडियम इज एक्चुअली अ पैरासाइट विच कॉज मलेरिया इन एनिमल एंड ह्यूमंस और इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, देन द स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड आर एनोफिलीज। इफ मैन कॉज मलेरिया एंड एनोफिलीज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम, एंड इफ एनी एनिमल लाइक स्पैरो कॉज मलेरिया बर्ड then culex is responsible for the transfer of plasmodium, it causes malaria in different species. In the last, please like, share and subscribe for the students. This lecture is for BS. Take care, Allah Hafiz. Thanks for watching.